Hey guys, good morning. Welcome back to Veerka Vlogs. Guys, आज हम हैं NH1 पे. आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी मशहूर मशहूर ढाबे और ये जो हवेली है जहाँ पे फूड जॉइंट्स हैं. दिल्ली नॉर्थ इंडिया वाले काफ़ी यहाँ पे खाना खाना पसंद करते हैं, ये देख सकते हैं आप. तो हम आज ही उसी रूट पे निकल पड़े हैं. सुबह सुबह हम अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं और मौसम का बहुत भरपूर आनंद उठा रहे हैं. वाह, क्या मौसम चल रहा है, मज़ा आ रहा है. तो आज का व्लॉग्स गाइस हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है. मिलते रहेंगे आज. आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा. गाइस आज सुबह से ही बारिश हो रही है लगभग 5 बजे से, और आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो रहा है. बहुत ही मज़ेदार कह सकते हैं इसको. और हम ड्राइव अपनी इंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी दिनों बाद मैं लंबी ड्राइव पर आया हूँ. हालाँकि बच्चे मेरे साथ नहीं आए हैं, पर फिर भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ और एंजॉय करते रहेंगे और आगे आगे व्लॉग को बनाता रहूँगा और देखते रहेंगे. ये लो भैया, गाइस हमने केले लिए हैं 100 रुपये भैया, ठीक है. और भाई गाइस ये हम अपनी बुआ के घर पहुँच चुके हैं. ये बुआ का घर है गाइस. ये हम जहाँ पे आए थे वहाँ से बाहर निकल चुके हैं अपने दीदी के घर से. गन्नौर का ये देख रहे हैं आप, ऊपर फ्लाई हो रही है NH1 है. यहाँ से हम राइट लेंगे दिल्ली की तरफ, देख रहे हैं ये जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है रास्ता. और अब हमने राइट ले लिया है फ्लाई ओवर के नीचे से और ये जा रहा है सीधा दिल्ली. पर दिल्ली ना जाके हम पहले जाएंगे सोनीपत अपनी बुआ के घर, और फिर जाएंगे राइट दूसरी बुआ के घर, और फिर हम जाएंगे घर. तो गाइस फॉलो करते रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा. पैरानोमिक व्यू दिखाऊंगा आपको जिस रोड पे हम चल रहे हैं, क्या नजारा है. देख रहे हैं व्यू, कितना तगड़ा व्यू है यार, कसम से. हेलो हरियाणा पुलिस. आज आपको लगभग मैं आधे हरियाणा के दर्शन तो करवा ही दूंगा. खेत हैं, खलिहान हैं, धान उग रहे हैं, लोग चल रहे हैं, ये भाई साहब जा रहे हैं कहीं का. और भाई साहब क्या हाल है. वाह, ये देखिए धान ही धान है. हमारा देश धान प्रधान देश. फिल्म बना ली ताऊ की मैंने. और ये गांव की गलियों के अंदर एंटर कर चुके हैं. मेरी बुआ का घर आने वाला है, इस गली के लास्ट में है. पप्पी साइड हो जा बच्चे,
गांव की गलियां अभी भी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद ही गांव में सुनसान ही रहते हैं हमेशा। ये देखो बच्चे, तीन बच्चे बैठे हैं। तो वो सामने खड़े लोग और ये शाम का समय है, निकल गए हम यहाँ से। अभी एक और डेस्टिनेशन बची हुई है, वहाँ जाना हमें बचा हुआ है। गाइस दूर दूर तक खेत ही खेत, ऐसा नज़ारा गाइस कितना मिस करते हैं हम शहर में रहने वाले। गाइस हाईवे पे आ चुके हैं दोबारा से, देख रहे हैं आप व्यू, बादलों का व्यू यार, सच अ मेसमराइजिंग व्यू है यार, क्या बात है गाइस, मजा ही आ गया। आज काफी दिनों बाद घर से बाहर निकले, लेकिन फुल पैसा वसूल, फुल एंजॉयिंग। बस मन कर रहा है रोड खत्म ही ना हो कभी, इस रोड पे चलते हुए। देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग आ गई है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, बुकिंग करनी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और ये फ्लाईओवर आ गया, तो अभी हम अपने नेक्स्ट जो हमारी मंजिल है, मेरी एक और बुआ के घर, वहाँ जा रहे हैं। फिर चलो गाइस फॉलो करते रहो, मिलते हैं, तब तक थोड़ा व्यू और एंजॉय करो। जुरासिक पार्क थीम पार्क जो है ना, वाटर अम्यूजमेंट पार्क, उसके सामने से निकल रहा है। बहुत अच्छा है, मैं आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी राइड्स हैं, पूल वूल भी अच्छे हैं यहाँ पे। ये हम घुस चुके हैं ग्राम राई में, केले लेने के लिए रुकता हूँ मैं अभी। यार जूता खराब कर दिया, बुआ के घर घंटी बजाते हैं। गाइस ये हम सिंगू बॉर्डर पे हैं, बहुत ही ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं किसानों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन ये इस तरह से पब्लिक को परेशान करना, जनता को परेशान करना, क्या ये आपको सही लगता है? मुझे तो सही लगता नहीं है। प्रोटेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ऐसे जनरल पब्लिक को परेशान करना, हम भी तो इन किसानों के भाई तो हैं, मतलब हम भी तो जनरल पब्लिक के अंदर आते हैं, अगर ये भी आते हैं तो हमें भी तो सुख सुविधा का भी मतलब होना चाहिए, हमारे लिए भी तो कुछ इलाज होना चाहिए ना। तो हम इतना परेशान हो रहे हैं, पिछले दो एक डेढ़ घंटे से हम चले जा रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, रात को पता नहीं कब पहुंचेंगे। पूरा दिन इतना अच्छा गया, लेकिन शाम को वापसी आते सारा मूड खराब हो गया। तो गाइस बताना कमेंट करके आपके आपको आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मैं तो बता दिया अपने अपने विचार जो मेरे। तो फाइनली गाइस लगभग एक घंटे के ट्रैफिक जैम के बाद अब हम बाईपास से हमने राइट ले लिया है अपने विकासपुरी की तरफ, और अब हमें लगभग जो हमारा गूगल मैप है वो 20 मिनट दिखा रहा है, यानी कि 10:30 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे।